हाय दोस्तों दिस इज जीएम एंटर सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला तो मुझे उम्मीद है तुम लोग सुन भी सकते हो देख भी सकते हो भगवान की दया हुआ दिया हुआ सब कुछ है अभी है ना सो इफ एवरीथिंग इज ओके प्लीज लेट मी नो थम्स अप हम सब भेजो अंगूठे भेजो अपने रजत ब्रो हाय वंशिका सिस हाय सागनिक ब्रो हाय आयुष ब्रो हाय ब्रो सिस ब्रो सिस अरे यार हाय ज्योति गुड इवनिंग सो सभी लोग हो यहाँ पर सब बढ़िया है अच्छा है मजा ओके ग्रेट तो चलो शुरू करते हैं ठीक है और सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं उसके पहले ही आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा जो आप लोग यहाँ पर अभी आपके सामने दिख रहा है ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कल आपकी ये क्लास होने वाली है ठीक है कितने बजे से ग्यारह बजे से होगी ये क्लास सुबह ग्यारह बजे ठीक है तो सभी लोग आ जाना सेशन में बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सुबह ग्यारह बजे से क्लास शुरू होगी यहाँ पे पूरे जनवरी महीने की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हम लोग करने वाले हैं एक वीडियो में यानी कि अलग अलग वीडियो देखने की नीड ही नहीं है न बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी सभी के एम सी हम करेंगे कहाँ पर होगी ये बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होगी कितने बजे से होगी सुबह ग्यारह बजे से होगी कब कल यानी संडे को ही ये वीडियो कल होने वाली है ठीक है लाइव होगी क्लास तो आप सभी लोग भी आ जाइएगा ठीक है दर्शन दे दीजिएगा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपका टीजर बहुत अच्छा था अरे मैं ही अच्छी हूँ क्या करोगे यार चलो तो ये टीजर की बात कर रहे हो गे मोस्ट प्रोबेबली ठीक है ये मजेदार वीडियो है इसको आप सभी लोग जरूर देखिएगा मजा आएगी इसे देखकर ठीक है दिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग जहां मैंने पूरे पीडब्ल्यू से है ना क्वेश्चन uh, पूछे हैं तो यू पीपल मस्ट बी इंजॉइंग इट ठीक है इसे देखना जरूर और हाँ सुनो देख के चुपचाप से जो बैठे रहते हो कमेंट वॉमेंट कर दिया करो कम से कम इसको तुम लोग 200 बना सकते हो ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आ रही है मुझे बोल रहा हूँ ना मैडम वीडियो बहुत अच्छा था ऐसे इसके नीचे जाके लिख सकते हो मैडम वीडियो अच्छा था ठीक है ऐसे कमेंट्स किया करो यार उससे इंटरेक्शन बढ़ता है उसमें मजा आती है ठीक है तो ये देखो आ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आंचल मैम है अरुण सर है फिर इसमें जो है ना क्वेश्चन मैंने अलग पांडे सर से भी पूछा था इट्स अ गुड वीडियो यू मस्ट वॉच इट ये कल मिलेगा आप लोगों को ठीक है और हाँ जैसा मैंने आपको बोला अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो तो वहां भी कमेंट कर सकते हो कि मैडम वीडियो अच्छा था वीडियो के नीचे लिखा करो उससे हमारा कॉन्फिडेंस हमारा इंटरेक्शन सब बढ़ता है So, जैसे मैं आपको दुनिया भर का मोटिवेशन देती रहती हूँ वैसे इतनी सी मोटिवेशन तुम भी दे सकते हो जस्ट बाई ए कॉमेंट ओके सो डू नॉट फॉर्गेट टू कॉमेंट चलो ठीक है शुरू करें क्लास को हेलो ओके ओके तो अब बहुत सारी वीडियोस चल जाएंगी इसके पहले मैं क्लास की तरफ आ जाती हूं और जैसे आप देख सकते हो कितने दिन बचे हैं दोस्तों आप लोगों के सामने ही है कितने दिन बचे हैं बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 213 दिन बहुत कुछ बदल सकता है इसमें बहुत कुछ बदल सकता है अगर बदलना चाहो तो बोर हो गया हो तो भी बताओ नहीं बोर मुझे पता है तुम लोग बोर नहीं हुए हो बिकॉज तुम लोगों को सिर्फ एक चीज दिख रही है वो है सिलेक्शन तो बोर होने वाले बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं और उनके लिए ये दिन बहुत मायने रखता है तो ध्यान रख के रहो कि इतने ही दिन हैं और अपने आप से पूछो क्या तुमने जो भी कल किया है या पूरे आज दिन जो भी किया है क्या वो कहीं भी तुम्हारे सिलेक्शन में हेल्पफुल है अगर नहीं है तो पूछो क्यों किया है और अगर है तो सोचो वैसा और कैसे करें है ना तो याद रखे रहो कितने दिन बचे हैं ले दे के दो सौ तेरह दिन बचे हुए हैं इसमें अगर चाहो तो सब बदल सकते हो और चाहो तो ऐसे ही रह सकते हो डिपेंड्स अपॉन यू है कि नहीं दोस्तों बताओ मैम बुक कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें मतलब मैं Mesmo gostinho. I am very very well. चलो दोस्तों अब हम लोग अपनी सेशन की तरफ चलते हैं ठीक है और सबसे पहला सवाल देखिएगा सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है अभी अभी रंजन पिंटल को अपॉइंट किया है गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस बैंक का यस बैंक एक्सिस बैंक एच बैंक किनारा बैंक या कोटेक महिंद्रा बैंक क्या आंसर है बताओ सभी आंसर एवरी ओके okay, तो मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं क्या मुझे आंसर्स मिल रहे हैं एक्सिस बैंक है ना कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी यस बैंक ठीक है कुछ एच डी एफ सी बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं तो अलग अलग तरीके के मुझे यहाँ पे आंसर्स मिल रहे हैं चलो देखा जाए किसका आंसर सही है सही उनका है जिन्होंने यस बैंक आंसर किया होगा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अभी हाल फिलहाल में रंजन पेंटल जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कहां का अपॉइंट किया गया है इन्हें अपॉइंट किया गया है 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 यस बैंक के अंदर ठीक अभी हाल फिलहाल में इनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है। अब जरा एक बात सुनो सभी लोग कि ये अपॉइंट किया गया यहाँ पर ठीक है तीन साल के लिए अपॉइंटमेंट कंटिन्यू और भी पूछा जाता है कि कितने साल के लिए तो ये तीन साल के लिए अपॉइंट हुए हैं ठीक है इसके साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यस सिक्योरिटीज की तो अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट समझने होंगे पहला तो हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं यस बैंक में तीन दिन के लिए इसके साथ में हमने एक और पॉइंट देखा कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं यस सिक्योरिटीज में और ये जो यस yes, सिक्योरिटीज है ये यस yes, बैंक का एक सब्सिडियरी है क्या है यस yes, बैंक का सब्सिडियरी है ये ध्यान रखे रहना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये इसका सब्सिडियरी है ठीक है Yes, Bank की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे सीईओ प्रशांत कुमार जी इनका मुंबई में है, है Kapoor, अशोक कुमार, sorry, अशोक कपूर. हुई थी 2004 में क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि यस yes, बैंक का टैग लाइन क्या होता है कोई भी ऐसा जो बता सके की यस बैंक का टैग लाइन क्या है आंसर एवरी मेरा क्वेश्चन है आपसे टैग लाइन का फटाफट आंसर्स करो या फिर कोशिश ही करो क्वालिटी बढ़ाते ही बफर होने लगता है जीवन ही बफर हो गया है हमारा चलो ठीक है क्वालिटी मत बढ़ाया करो यार डाउन ही रखा करो हमें क्लास की बढ़ाने दो ठीक है और न्यू हीयर ओके क्लासेस देखो इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बताना उस पर भी हम बातें करेंगे ठीक है फिलहाल में अभी बस क्लासे देखो ओके okay, तो मुझे दो आंसर मिल रहे हैं एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज और ऑनर यू ट्रस्ट एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज इनका क्या होता है इनका टैग लाइन होता है ठीक है दोस्तों अब एक बात सुनो हमने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने कहा था कि जो टिन्यूर होगा पी, सी, आ, पी एस यू का उसके जो सीईओ होंगे ठीक है मैं आपको बताती हूँ कुछ दिन पहले जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी एक नोटिफिकेशन आई थी जिस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा था जिस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के उन्हों उन्हें जो है उनका टेन्योर बढ़ाने की कोशिश की गई है इसलिए कहा गया है कि पहले पांच साल तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती थी अब इसे पांच साल के लिए और एक्सटेंड की जा रही है तो मैं आपसे क्या बता रही हूं मैं आपसे ये बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले ही जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनियंस हैं इन सभी के जो डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं इनके जो टेन्योर है पांच साल पहले हो सकती थी इसमें पांच साल और ऐड की गई थी यानी पहले तो था कि ये पांच साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं नवंबर में ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी कि ये नवंबर सॉरी पांच के अलावा पांच साल और भी क्या हो सकते हैं इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आया था इसलिए ही मैंने यहाँ पे ये बात आपसे डिस्कस करी अब जब हम लोग येस बैंक की बात कर रहे हैं ना तो ये बैंक कौन सा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार इसके बारे में थोड़ी सी याद दिला दूं हल्की रिवीजन करा दूं जिससे आप लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा ये जो पूरा किया गया था इसको नेशनलाइज बैंक अमेंडमेंट स्कीम 2022 के अंदर किया गया था नेशनलाइज बैंक अमेंडमेंट स्कीम अमेंडमेंट स्कीम 2022 इसके अंदर ये पूरा पूरा चेंज किया गया था क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं सो बी प्रिपेयर फॉर द सेम अब अगर हम लोग हल्की सी और बातें कर ले कि ये बैंक जो है है क्या ये बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है 2004 में इनकी स्थापना करी गई थी प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब वो बैंक होते हैं जिसके अंदर सरकारी शेयर जो है वो कम होता है और किसी प्राइवेट लेंडर का शेयर ज्यादा होता है तो इसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आप लोगों के सामने है ठीक है अच्छा छोटी सी और बात मैं आप लोगों को याद दिला दू ये भी न्यूज आई थी कि जो यस बैंक का एटी बॉन्ड है जिसे कि यस बैंक ने कह दिया था कि हम लोग ये आपको वापस नहीं कर पाएंगे इस आ, इस स्टेटमेंट पर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टे लगा दिया है और उन्होंने कहा है इसका कुछ नया विकल्प लेकर आओ छोटा सा क्वेश्चन आपके ऊपर ये आता है कि एटी वन बॉन्ड्स जो है ये एटी वन बॉन्ड्स हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट आंसर करो एटी वन बॉन्ड्स का फुल फॉर्म क्या है? हेलो संकेत थैंक यू सो मच यस इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों एडिशनल टीयर वन ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या है एडिशनल टीयर वन बॉन्डिशनल टीयर वन बॉन्ड्स ठीक है चलो आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं होगी चीजें इजी लगी होंगी अब हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है चलो अगला सवाल देखो जरा कौन से स्टेट अभी अभी टॉप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में फेम सब्सिडी को लेने के बाद से तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात या पंजाब बताइएगा कौन सा स्टेट टॉप करा बताओ भी फाउंडेशन से एम बैच से ये सब हो जाएगा तुम घबराओ नहीं ठीक है थोड़ा सा सब्र करो हाँ भाई तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर्स मिल रहे हैं मुझे सभी के आंसर्स मिल रहे हैं लगभग पंजाब आई थिंक महाराष्ट्र कर्नाटक का बहुत सारे वेरिएशन है आंसर्स में ठीक है देखो इसका आंसर है महाराष्ट्र लेकिन देखो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था कि फेम टू स्कीम में जो सब्सिडी दी गई है इस सब्सिडी को लेने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे ज्यादा कहां पर सेल हुई है सबसे ज्यादा ये सेल हुई है महाराष्ट्र के अंदर पर अब हमें समझना होगा कि ये फेम टू स्कीम क्या है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से होता क्या है ठीक है ये बात भी हमें समझनी होगी तो जरा ध्यान दो सभी लोग अभी अभी हाल फिलहाल में बताया गया है कि महाराष्ट्र जो है ये टॉप किया है सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हर एक सेगमेंट को अगर हम मिला लें ठीक है कब जब फेम टू सब्सिडी इन्हें मिली है उसके दौरान महाराष्ट्र के बाद जो अगला राज्य था ये था कर्नाटका कर्नाटका के बाद था तमिलनाडु गुजरात और फिर राजस्थान यानी महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात और राजस्थान इस तरीके से इनकी रैंकिंग रही है पूरी पूरी इसके साथ में ये भी देखिएगा कि ये जो पांच राज्य हैं जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है ये पांच में अकेला ही छप्पन परसेंट हमारे देश में जितना टोटल सेल हुआ है उतना इन पांच स्टेट में अकेला ही छप्पन परसेंट का सेल हो गया है ठीक है अब देखो एक और भी बात जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि लगभग पॉइंट मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है जो बेची गई है फेम टू के मुताबिक सरकार की डेटा के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है ठीक है ध्यान दो हमें यहां समझना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती हैं और क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतना फोकस होता है ठीक है देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब होता है जो किससे चल सकती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती हैं ठीक है, है थीके? जिसको चार्ज किया जाता है आप लोग अक्सर देखोगे कई जगह पर अब जो है, है चार्जर रहता है ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जर्स वगैरह आपको देखेंगे ठीक है तो ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जर्स होते हैं सॉरी ये जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप चार्ज कर सकते हो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि इसमें किसी भी तरीके की फॉसिल फ्यूल की नीड नहीं है ठीक है किसी भी तरीके की फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल का मतलब पेट्रोल हो गया डीजल हो गया ऐसी किसी भी चीज की जरूरत इसके अंदर नहीं है अगर ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी तो फायदा कहाँ आता है फायदा आता है कि ये प्रदूषण यानी कि जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी ठीक है पॉल्यूशन ये नहीं फैला रही है कम कर रही है और जाहिर सी बात है अभी हर एक देश की सरकार ये चाहती है कि उसके देश में पॉल्यूशन कम हो सके कार्बन एमिशन को कम किया जा सके भारत सरकार भी चाहती है कि कार्बन एमिशन को न्यूट्रल कर सके सन 2070 तक इसके लिए भारत सरकार ने तमाम तरीके के स्टेप्स लिए हैं और अभी हम लोगों ने देखा भी था कि टूवर्ड्स पंचामृत के लिए एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इवेंट भी कराया गया था महेंद्र नाथ पांडित जी ने कराया था ठीक है जिससे हम लोग क्लीनर सोल्यूशन पे जा सके तो ये बहुत सारी चीजें की जा रही हैं उसके बीच में एक स्कीम भी लाई गई जिसका नाम था फेम जिस स्कीम का नाम क्या था इस स्कीम का नाम था फेम अब अगर हम लोग मोटी मोटी बातें करते हैं फेम स्कीम के बारे में कि इस स्कीम से फायदे क्या है और इसको क्यों लाया गया कब से शुरू किया गया कितने चरण में आया तो ये हो गई फेम इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है ये होता है फेम तो इसमें क्या होता है देखो फेम के अंदर बेसिकली ये मकसद होता है कि हम लोग क्लीनर एंड ग्रीनर मोबिलिटी सॉल्यूशन पे फोकस करें अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे ये मोबिलिटी शब्द एग्जैक्टली exactly क्या है मोबिलिटी से मतलब जो मोबाइल हो मोबाइल का मतलब ये नहीं ये नहीं है मोबाइल का मतलब है जो मूव करता हो यहाँ पे एक व्हीकल्स की बात हो रही है तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स को अडॉप्ट करें जो मूव कर रही हो और वो इलेक्ट्रिकली चले ना कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी से चले ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां हमें ये मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए ठीक है देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो बताते हैं और फेम के बारे में भी हम लोग पूरी पूरी बातें जो है करते चलते हैं ओके तो जैसे आप देख रहे हो फेम फेम स्कीम की शुरुआत कब की गई तो देखो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी आप लोगों की जो पहला चरण आया था ये फेज वन था आपका 2015 2015 से 2019 तक रहा पहले चरण में इस स्कीम को लाया गया था 2015 से 2019 तक फिर आया इसका फेज टू अब जो फेज टू आया था इसका वो कब से कब तक आया था फेज टू इसका लाया गया था अप्रैल 2019 से अप्रैल 2019 से शुरू में तो ये 31 मार्च 2022 तक ही लागू किया जा रहा था लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसे एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक कर दिया गया तो अभी फिलहाल में ये मार्च 2024 तक लागू रहेगी हमारे देश के अंदर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें होगा क्या जो हमारी केंद्र सरकार है सब्सिडी देगी सब्सिडी का मतलब समझते हो कुछ छूट देना कुछ वेव ऑफ कर देना ये सब्सिडी देगी किसे राज्य सरकार को और बाकियों को कि वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हो सके इस मकसद से इसको लाया गया है ठीक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं ओके तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा अब यहाँ पे कौन कौन सी व्हीकल्स आती है जो हाइब्रिड व्हीकल्स है यानी जो डीजल और इलेक्ट्रिक से चल रही है इलेक्ट्रिक वाली इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये सबकी सब इसके अंदर आएंगी कौन सी मंत्रालय इसको देखेगी तो हैवी इंडस्ट्रीज जो मंत्रालय है वो इस स्कीम को देखेगी ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है याद रखे रहिएगा इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को लाया जा सके अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स आएंगी तो उसके साथ में चार्जिंग स्टेशन तो इस स्कीम के अंदर चार्जिंग स्टेशन भी बनवाने की प्रा प्रावधान है ठीक है इसके साथ ही साथ में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और फ्यूल सिक्योरिटी को भी देखने का इसका काम है ठीक है अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि छे इलेक्ट्रिक बसेस जो है महाराष्ट्र में गोवा में गुजरात में शुरू किए हैं दो सौ चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे फेम इंडिया को शुरू किया गया था नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंदर तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान ठीक है क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों ध्यान से सुनो जितने पॉइंट्स लिखे हैं तुम लोगों को लगता होगा कितनी बातें बताती हैं सारी की सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए ठीक है तो ध्यान से सुनो क्या हमने देखें क्वेश्चन क्वेश्चन हमने देखे सबसे पहले तो फेम क्या है मैंने आपको बताया कि स्कीम है जिसके तहत जो है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ सब्सिडाइज रेट पर उनको दिया जाए प्रोवाइड किया जाए इंफ्रा इन, सही किया जाए चार्जिंग स्टेशन्स बनवाए जाएँ किस मंत्रालय के अंदर है इंडस्ट्रीज के अंदर आता है कब शुरुआत की गई थी 2015 में जो पहला चरण था 2015 से 19 था दूसरा चरण अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 हजार था लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया उसे 2024 तक के लिए फिलहाल में इसके अंदर विनर कौन था सबसे ज्यादा कहां पर ठीक है कहाँ पे सबसे ज्यादा ये बिके गए हैं बिके हैं सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर बिके हैं अब एक बात मैं आपको बहुत चौंकाने वाली बताती हूँ लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इस बार का जो बजट हुआ है ठीक है इस बार के बजट में फेम टू की सब्सिडी के लिए फाइव वन सेवन टू करोड़ तक दिया गया है ठीक है ये फेम टू की सब्सिडी सब्सिडी को मतलब सरकार जो इसके अंदर प्रोवाइड कर रही है कि लोग उसके लिए पांच हजार एक सौ बहत्तर करोड़ दिया गया है इसमें बड़ी बात यह है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय है उसका लगभग अस्सी परसेंट इन्हीं को दे दिया गया है ठीक है किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी एवरीथिंग ओके एवरीथिंग ओके वन सेवन टू दिया गया ठीक है इस बार दो हजार तेईस चौबीस में फेम टू की जो सब्सिडी है उसको फाइव वन सेवन टू कर दिया गया क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग ओके ग्रेट एंड गुड तुम लोगों के अंगूठे इतने कम क्यों रहते हैं देखो सारी चीजों का सोल्यूशन धीरे धीरे आएगा एकदम से हम लोग जो है मतलब स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं ठीक है तो इस पॉइंट को कंसिडर करो दैट वी आर मूविंग बट स्लोली अंगूठे लगाते जाओ अंगूठे लगाते जाओ नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि एक रिपोर्ट जारी करी गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एसेट है इकहत्तर एम का जिन्हें री एलेक्ट किया गया है लोकसभा के अंदर ये कितने परसेंट तक बढ़ा है एवरेज पे सॉरी इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे तो ये क्वेश्चन के साथ में हम पूरी पूरी यहाँ पर कहानी ही देख लेते हैं ठीक है इट्स ओके इट्स ओके चलो क्वेश्चन और कहानी देखते हैं तो देखो एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का नाम है सॉरी रिपोर्ट लाई गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा यानी एडीआर अब ये जो आप लोग एडीआर देख रहे हो ना एडीआर एक एन है ठीक है एडीआर जो है ये एक एनजीओ है और ये नई दिल्ली में स्थित है कहा स्थित है नई दिल्ली में इसमें बताया गया है मतलब इस रिपोर्ट इसका काम क्या होता है बेसिकली ऐसी कोई भी क्रिमिनल रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट्स लेकर के आती है जो हमारे वहां पर पॉलिटिशियंस हैं उनसे रिलेटेड उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर के ये आती है तो अभी फिलहाल में इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी करा है इस रिपोर्ट में इन्होंने काफी अच्छी चीजें जो है बताई हैं आंख खोलने वाली चीजें एक्चुअली बताई हैं देखो हम सभी को पता है एम या एम मतलब कितने ठाट होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है जब तुम ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो तुम्हारा माथा थोड़ा चकरा जाएगा इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो भी ऐसे एम थे लगभग इकहत्तर ऐसे एम हैं जिन्हें री इलेक्ट किया गया है लोकसभा के अंदर 2009 से 2019 के बीच में इनकी जो ओवरऑल परसेंटेज बेसिस पे हम देखें एवरेज कितना बढ़ गया इनके एसेट का तो इनका जो एवरेज असिट बढ़ा है ये है दो परसेंट समझ तुम लो तुम लोग दो परसेंट तक का इनका एवरेज असिट बढ़ गया है 10 साल के बीच में उनकी बात हो रही है जो 2009 से 2019 में री इलेक्ट किए गए थे ठीक है अब देखो इसमें बताया कि जो एवरेज असेट है इकहत्तर एमपीस का फिलहाल में तो नहीं 2009 में छ करोड़ था और अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो एसेट है ये 2009 से 2019 में कितनी हुई है 17.59 करोड़ हुई है मतलब थोड़ी बहुत नहीं आप देख सकते हो कुछ बढ़े ना बढ़े लेकिन पॉलिटिशियंस का पेट और उनकी एसेट्स बहुत ही रफ्तार से बढ़ती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया कैसे भागा है अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊ सबसे ज्यादा किसकी जो है किसकी सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली है बीजेपी की रजी आ, रमेश चंदप्पा ठीक है इनमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली है जरा सोचो ऐसा हो तो वैसा हो वैसा हो तो कैसा हो मतलब इनकी थोड़ी बहुत नहीं भागे पड़ी इन लोगों के एसेट की रेट है कि नहीं जनता को लूट के एग्जैक्टली exactly, जनता को लूट के ही ये सब होता है और कैसे होगा भाई इसी तरीके से होता है लेकिन जनता भी खुश है जनता भी कहती है कि अगर ये मेरा फेवरेट है तो हमें लूटने दो क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है बताओ मैंने कुछ गलत कहा ऐसा ही तो हम सोचते हैं कि अगर मेरी फेवरेट पार्टी है तो वो जो चाहे वो करे हमें कोई मतलब नहीं है इट अब देखो दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लूट <laughs> लुटेरा ये समझ बोलो ठीक है हाईएस्ट लोकसभा सीट्स किस राज्य की है ठीक है हाइएस्ट या हाइएस्ट नहीं लिखना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए इसे मैं मैक्सिमम कर देती हूं बताइएगा मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं यूपी 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 चलो अगर तुम लोग यूपी बता ही रहे हो तो ये भी बता दो यूपी में कितनी सीट्स हैं यूपी बता ही रहो तो ये भी बता दो कि यूपी में कितनी सीट्स हैं टोटल एट्टी या सेवेंटी फोर एट इज एटी ठीक है चलो इतनी बातें हम लोगों ने करी ना ये मैक्सिमम होती है यूपी की यहाँ पे अस्सी सीट्स होती हैं ठीक है तो क्या होता है बेसिकली किसी भी अभी तक क्या होता था ना जो भी ऐसी स्टेट्स होती थी सभी स्टेट्स का अरे यार ये इतने ऊपर लगा देते हैं इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत ऊंची हो जाती हूँ फिर मुझे लगता है मैं बहुत मोटी लगने लगी हूँ बहुत मोटी नहीं हुई हूँ मैं लेकिन मैं अपने आप को देख के इतनी टेंशन में आ गई हूँ कि मैं सोच रही हूँ मंडे से जिम कर लूँ ठीक है थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म ये इतनी ऊंचाई पर है कि मुझे ये एहसास हो गया कि मैं जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई हूँ यू पीपल कांट बिलीव मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता रहता है anyway, नहीं चलो वो अलग बात है यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंसी की बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूंसी का डिसीजन लिया जाता था पहले वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज लिया जाता था तो केरल कह रहा था कि भैया हम तो अपनी पॉपुलेशन कम कर रहे हैं ठीक है हम तो अपनी पॉपुलेशन कम कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग पॉपुलेशन बेसिस पे दोगे तो हम भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो फिलहाल में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमार्क करने का तरीका है उस पर कुछ चेंजेस करने को कहा गया है क्या हुआ है वो फिलहाल में अभी बताया नहीं गया है ठीक है जैसे योगा हुआ था वैसे आपका जिम भी बाकी है मुझे पता था तुम लोगों को बहुत मजा आएगी ये बात मुझे याद दिलाने में लेकिन कोई बात नहीं ऐसा चलता है एनी anyway, वे चलो जरा हम लोग रमेश चंदप्पा जी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इनका क्या हुआ ठीक है तो देखो रमेश चंदप्पा जी की डिस्कशन बहुत मजेदार है दोस्तों समझ रहे हो इनकी फोटो नहीं लगाई यार मैंने मुझे लगा अब ज्यादा मैं इनके बारे में टिप्पणी ना करूं देख लिया ये तो पता चला कि मुझे उठा के फिकवा देंगे है कि नहीं नो वन नो बहुत पावरफुल बहुत पावरफुल हाँ तो सुनो रमेश चंदप्पा जी की अगर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं देखिएगा इनकी जो असेट थी 2009 में 2009 में इनकी असेट कम नहीं थी दोस्तों अच्छी खासी थी तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 2009 में भी इनकी एसेट 1.18 करोड़ की थी ठीक है मुझे कोई दे दे तो मैं अभी घर खरीदा हूं। तो इनकी 2009 में भी जो असेट थी वो 1.18 करोड़ की थी 2014 में ये 8.94 करोड़ हो गई 2014 में ये 8.94 करोड़ हो गई थी 2019 आते आते तो बवाल मचा चुके थे ये 2019 आते आते करोड़ कितना 50.14 करोड़ कितना 50.14 करोड़ इनकी एसेट की बात हो रही है किसकी बात हो रही है एसेट की बात हो रही है ठीक है अब मैं आपको बताऊं जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है इनके ही एसेट में ये 5.184 परसेंट का केवल इन्हीं की एसेट में देखने को मिला है जरा सोचो अकेले ये काम कर डालें ठीक है तो ये छठी बार लगातार इलेक्ट हुए थे 2019 में एमपी कर्नाटका के बीजापुर से हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में भी रहे थे नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में इलेक्ट हुए थे छह बार दो में छठी बार दो में हुए थे ये एमपी कर्नाटका के बीजापुर के हैं ठीक है थीके? और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर भी रह चुके हैं किसकी बात तो हुई रमेश चंदप्पा क्यों मैं रमेश चंदप्पा के बारे में आप लोगों के बारे में आप लोगों से इतना डिस्कशन कर रही हूं क्योंकि अकेला बवाल मचाए है हुए हैं सबसे ज्यादा इन्हीं की असेट बढ़ी हुई है तो इन्हें अब बहुत टेंशन होती होगी अरे भाई इतनी सारी बातें मेरे ऊपर आ रही हैं हाँ देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनाया बनाया जाएगा कि कहाँ की मतलब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है जो मुझे लगता है तो ये आप लोग याद रखेगा ठीक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है सेकेंड पीसी मोहन जी थे ठीक है और पीसी मोहन जी भी फिर से ये भी आपके जो है बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है uh, एक मिनट रुको मैं इनका भी नाम लिख दूं पीसी मोहन ये सेकेंड पर थे ओके okay. और ये बेंगलुरु सेंट्रल इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु सेंट्रल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके बाद में आएंगे भैया में भैया वरुण भैया इसके बाद में आते हैं आपके वरुण गांधी जी ठीक है वरुण गांधी जी भी कम नहीं है वो भी ठीक ठाक आगे चले हैं हरसिमरत और बहुत लोग हैं यार इन लोगों की लिस्ट देखोगे मजेदार काफी लोग है। एक हैं एकदम बवाल मचाए हैं ठीक है चलो बहुत बातें हो गई अगली बात पे चलते हैं अब आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड कैंसर डे को हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है तीन फरवरी चार फरवरी पांच फरवरी छह फरवरी या सात फरवरी बताओ सात फरवरी को क्या होता है सात फरवरी को क्या होता है बताओ बताओ बोलती बंद विनोद पांडे क्या तुम किसी एलियन का संकेत दे रहे हो मुझे शास्वती तुम बहुत दिनों बाद देखिए कहां थी तुम गायब देखो रोज डे प्रपोज डे टेडी डे चॉकलेट डे अच्छा ठीक है एक बात और बताओ बस पंद्रह फरवरी को क्या होता है पंद्रह फरवरी को क्या होता है फटाफट आंसर्स करो सभी अभी बता इस इसपे भी चलेंगे लेकिन पंद्रह फरवरी को ही बताओ हेलो पंकज सोचो सोचो ब्लैक डे स्लैब डे और क्या देखो बहुत ध्यान से देखो भाई इस दिन सिंगल अवेयरनेस डे होता है सिंगल तो तुम सभी सिंगल लोग तुम्हारे लिए ये ये दिन है योर डे एनीवे देखो रॉ आ गए इनको दो लाद जूता घुसा चलो वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों चार फरवरी को होता है कब होता है चार फरवरी को ये दिन मनाया जाता है ठीक है थोड़ी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर ले और काफी कुछ इसके बारे में भी हम जान जाए ठीक है देखो वर्ल्ड कैंसर डे को हर साल चार फरवरी को ऑब्जर्व किया, किया, उसमें उसमें किया जा जागरूकता जा है, है. है जो ऑफिशियल कलर है वर्ल्ड कैंसर डे ये क्या है ब्लू और ऑरेंज ठीक है तो जब हम लोग बात करते हैं ये बहुत ही खतरनाक बहुत ही घातक बीमारी होती है और हम सभी को पता है मतलब ऐसी बीमारियों में से है कि एक बार ही हो जाए तो यही लोग मान लेते हैं कि अब तो इनका बचना ना के बराबर ही है ठीक है तो इस दिन को मनाया जाता है हर साल चार फरवरी फरवरी को ये दिन मनाते हैं ताकि हम लोग कैंसर को लेके अवेयरनेस ला सकें कैंसर की प्रिवेंशन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस कर सकें तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कैंसर कंट्रोल होती है ठीक है यूनियन फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ठीक है ये दिन होता है मतलब ये आप लोग कहोगे ये संस्था होती है जो ऑर्गेनाइज करती है कैंसर डे को ठीक है तो ये बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन गोल था 2008 का उसी को सपोर्ट किया जाता है और इस दिन को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन ठीक है क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं चार फरवरी 2000 को वर्ल्ड कैंसर समिट हुआ था पेरिस के अंदर और वर्ल्ड कैंसर डे तभी से मनाया जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कैंसर समिट वर्ल्ड कैंसर समिट 2000 हजार हुआ था पेरिस में हुआ था और इसी दिन ये निर्णय लिया गया था कि हर साल 2000 सॉरी हर साल चार फरवरी को क्या मनाया जाएगा कैंसर डे मनाया जाएगा ठीक है तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा इंपॉर्टेंट है सवाल यहां से बहुत सारे आपके बन सकते हैं ओके खैर अब एक बात मुझे आप सभी लोग बताइएगा हाँ, एक छोटी सी और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि मतलब आज है हाँ आज ही है आज चार फरवरी है ना तो आज ही होगा ठीक है पंद्रह फरवरी को मत देखो आज चार फरवरी है तो आज ही के दिन ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल इस दिन का यही महत्व होता है ठीक है चार फरवरी का एक बात मुझे बताइएगा दो फरवरी को क्या था दोस्तों दो फरवरी को क्या था वेटलैंड डे पहला आंसर मुझे मिल रहा है यस yes. दो फरवरी को वेटलैंड डे था ठीक है वेटलैंड डे ठीक है अच्छा एक और भी बात सुनिएगा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा आप सभी लोगों को बताना होगा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होता है ठीक है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होता है ये आप लोगों का सात नवंबर को होता है नेवी डे चार दिसंबर को होता है चार दिसंबर को होता है हम लोग चार फरवरी की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? चलो कौन से एप्लीकेशन को बताया गया कि ये हंड्रेड मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है सिर्फ दो महीने में अपने लॉन्च के अंदर यानी दो महीने लॉन्च किए हुए हैं और हंड्रेड मिलियन यूजर्स हो चुके हैं इसके चैट जीपीटी फूड लॉक जर्नल ड्रंक यार्ड या मेरे लॉन्चर हाँ आज सैटरडे है आज कैंसर डे आज चार फरवरी है तो आज कैंसर डे ही होता है ठीक है यस इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका आंसर है चैट जीपीटी ठीक है जीपीटी का फुल फॉर्म बताएगा कोई इंटरेस्टेड है बताने में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी बहुत आप लोग इसको बहुत दिन से देखते हो चैट जीपीटी है ना लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है जेनेटिव प्री ट्रीन ट्रांसफॉर्मर यह फुल फॉर्म है जीपीटी का ठीक है थोड़ी हम लोग बातें करते हैं ठीक है रुको इस रॉ को ब्लॉक करूं बेवकूफ तो देखो बताते हैं जीपीटी क्या है गूगल आप सभी लोग जानते हो ठीक है गूगल में क्या होता है एक तरीके का इंटरफेस है जहां आप लोग जाते हो अपने सर्च इंजन का हो गया है ना गूगल क्या है गूगल सर्च इंजन है ठीक है तो गूगल जैसे सर्च इंजन है वहां पे आप जाते हो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है जो भी आपको सर्च करना होता है आप सर्च करते हो ठीक है सिमिलर टू गूगल आपके वहां पर चैट जीपीटी लाया गया है अब जीपीटी क्या है आप लोग कह सकते हो कि ये गूगल से थोड़ा अलग है ये ए आई बेस्ड है ए आई बेस्ड आप लोगों के सामने एक तरीके का वो है uh, मतलब आप जो भी क्वेश्चन टाइप करोगे ये आपको देगा तो ये कॉन्वर्सेशनल होता है थोड़ा बिकॉज आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करोगे ये आपको आंसर देगा अब इसकी सबसे बड़ी जो एक खास बात है वो ये है कि ह्यूमन के मुताबिक ये अपने आप में इंप्रूवमेंट करता रहता है टाइम टू टाइम ठीक है तो अब जैसे किसी को कोई कोड लिखवाना है वो बोल देगा इस पे कोड लिख के दो वो आपको पूरा कोड लिख के दे देगा वो बोल देगा मुझे इस टॉपिक पे ऐसे लिख के दो वो आपको ऐसे लिख के दे देगा ठीक है तो ये बात बार बार आ रही है कि इसके आने से लोगों की जो आपको खतरा हो सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है खतरा हो सकता है कल को जा करके लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन तो हमेशा इससे थोड़ा बहुत आगे रहेंगे ही रहेंगे ठीक है तो एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कॉन्वर्सेशनल ठीक है क्या है ये चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है यहां तो चैट जीपीटी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप पूरे विश्व का बन चुका है हंड्रेड मिलियन यूजर्स हो चुके हैं दो महीने में ये एक तरीके का पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड है जिस जो कि 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ दो महीने में यानी इसके लॉन्च के अभी दो महीने ही हुए हैं और उस दो महीने में ये कितने तक हो चुके हैं 100 मिलियन यूजर्स तक जो है पहुंच चुका है अब इसमें खास बात क्या है हाँ ये काफी पहले आ गया था बिल्कुल सही आ गया था पहले यहाँ पे न्यूज ये है कि दो महीने के अंदर हंड्रेड मिलियन यूजर्स बहुत बड़ी बात है समझ रहे हो तुम लोग हंड्रेड मिलियन तो ये पॉसिबल नहीं है कि टेन बिलियन यूजर्स इनके होगा ये एक बड़ी चीज है टेन बिलियन ही होगा ना गिनो जरा अच्छा सुनो अंगूठे दे दो अपने अपने ठीक है अब जैसे कि एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट आई है सिमिलर वेब की इसमें इन्होंने बताया है कि जो चैट बोर्ड है तेरह मिलियन यूजर्स पर दिन प्रतिदिन तेरह मिलियन यूजर्स एड किए हैं कहा जनवरी महीने में और जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स को पीछे कर दिया है जैसे कि इंस्टाग्राम टिकटॉक जो कि ढाई साल और नौ महीने लिए थे हंड्रेड मिलियन यूजर्स अब जरा सोचो एक बात तुम लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी इतना समय ले रहे हैं हंड्रेड मिलियन यूजर्स में और ये अभी आ गया है मेरे फोन में तो ये है भी चैट जीपीटी मेरे फ़ोन में तो है मतलब मैं यूज़ भी की हुई हूँ और इनफैक्ट ये बड़ी लाजवाब चीज़ है आप यूज़ करो अगर आप भी इसको यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा है मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आपको मैथ्स के आंसर्स मिल जाएंगे मतलब कुछ भी आसानी है जो ये ना दे प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक आती है प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी डेटा देता है ये 2021 के पहले का है तो इनकी जो डेटाज होंगी वो 2021 के पहले की होंगी तो करंट अफेयर्स तुम लोग से मत पूछना करंट अफेयर्स यहाँ से पूछोगे तो गलत ही आएगा ठीक है दो के पहले की सारी डेटाज हैं जिसके मुताबिक ये अपने आंसर्स करता रहता है अब जो चैट जीपीटी सॉरी जो ये आप लोग देख रहे हो चैट बोर्ड है जिसको लॉन्च किया गया इसको लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है ओपन ए आई ओपन ए आई कंपनी का प्रोडक्ट है ये ठीक है जैसे अल्फाबेट कंपनी के अंदर गूगल है वैसे ओपन ए आई का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है चैट जीपीटी जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ठीक है अब एक और बात आनी चाहिए आपके दिमाग में ओपन ए आई कहाँ की कंपनी है ठीक है अगर नहीं आ रही है तो लाया करो ऐसी चीजें ओपन ए आई कहाँ की कंपनी है इसके फाउंडर कौन है तो इसके फाउंडर देखो ये 2015 में शुरू की गई थी 2015 में शुरू की गई थी सैन फ्रांसिस्को से कहा है सैन फ्रांसिस्को दोस्तों सैन फ्रांसिस्को कहाँ है बताओ जरा मैं पानी पी लू हाँ मैम बोलो ना ये भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हो uh, मैं तुम लोगों को यार सोच रही थी यहाँ दिखाऊँ पर मैं बहुत लेट आई वरना मैं तुम्हें मंडे को दिखाऊंगी चैट जीपी टी खोलकर उस पर क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर लिखेगा ठीक है आसानी से हो सकता है ठीक है उसे आप लोग अपने गूगल वगैरह में इजिली ओपन कर सकते हो खैर सुनो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है इसके फा, इसके फाउंडर्स एम एल्टमैन रीड हॉफमैन ऐसे करके हैं तीन चार लोग एलन मस्क भी इसके फाउंडर में से एक थे 2018 में उन्होंने इससे बाहर निकल लिए थे लेकिन अभी भी इसके फाउंडर्स में से एक हैं ठीक है थीके? कौन किसकी हमने बात करी एलन मस्क की ठीक है तो इसकी जो बोर्ड है इसके बोर्ड में 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 से 2018 उन्होंने रिजाइन दे दिया था लेकिन डोनर में आज भी उनका नाम है तो जब एलन मस्क का नाम जुड़ गया है जरूर कुछ खतरनाक चीज यहाँ पर होनी ही होनी है क्यों है कि नहीं अच्छा अब एक छोटी सी और बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ ठीक है एक और छोटी सी बात है जो मैं आप सभी से कहूँ देखो जैसे हमने देखी ये ए आई पे चलने वाली कंपनी है वैसे ए आई वाले ए आई बेस्ड और भी कंपनीज हैं क्या तो अगर हम लोग इस बात की डिस्कशन कर लें ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इस तरीके की इस मॉडल की दो और भी कंपनीज हैं जिसमें से कि एक गूगल की होती है गूगल लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लैमडा एक जो है ये कंपनी होती है लैमडा इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा होता है ये होता है आप लोगों का गूगल लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग अप्लीकेशन और एक होता है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर वो भी गूगल का होता है तो गूगल के दो तो और ऐसे हैं ऐसे चैट बोर्ट है देखो ये चैट बोर्ड है ठीक है इसको क्या करना है कैसे डाउनलोड करना है मैं बताऊंगी अभी तुम लोग मत इसके फेर में पढ़ो दिमाग का दही होगा और होगा भी नहीं जल्दी ठीक है तो अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं मैं आपको गाइड कर दूंगी हो गया तो वेल एंड गुड दोस्तों को बता देना डाउनलोड की बात ही नहीं आएगी खैर तो याद रखिएगा इस तरीके की दो और कंपनीज है लैमडा और बर्ड ये दोनों गूगल की हैं और मैं आपको बता रही हूं क्वेश्चन बहुत सारे चांसेस है यहां से आने के कर लिया गजब गजब पढ़ा था बट भूल गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो आगे बढ़े अब देखो वानी जयराम जिन्हें पद्म भूषण मिला था इनकी अभी मृत्यु हुई है ये किस किस फील्ड से जुड़े थे स्क्रिप्ट राइटर सिंगर एक्टर डांसर या फिल्म मेकर आरबीआई असिस्टेंट पोस्टपोन हो गया अगर आप लोगों को पता चला हो तो सिंगर गायक सिंगर गायक और देखो सिंगर वानी जयराम रिसेंटली पास अवे शी वॉज ऑनर्ड विद नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्ले बैक सिंगर इन 1975 1980 एंड 1991 ठीक है तो बस इतनी छोटी सी बात है जो हम सभी लोगों को याद रखना होगा कि ये सिंगर थी अभी अभी क्या हुई है अभी अभी इनकी डेथ हो गई है किसकी बात हो रही है बात हो रही है वानी जयराम जी की ठीक है तो अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है ठीक है मेरा सफर हमेशा अच्छा रहा है डू नॉट वरी लॉर्ड वि ग्रेट अपने सफर की चिंता करो तुम अभी फिलहाल में अगला देखो थर्टी सिक्स एडिशन सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहां पर शुरू हुआ है मानिसार गुरुग्राम फरीदाबाद करनाल भटिंडा आंसर Answer everyone. ये साउथ इंडियन थी वानी जयराम जी किस लैंग्वेज uh, पूछ रही हूँ ये साउथ इंडियन थी ठीक है डो नॉट वरी मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं गुरुग्राम गुरुग्राम फरीदाबाद ठीक है गुरु ग्राम, गुरु ग्राम, चलो अब हम इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं ठीक है देखो सबसे पहली बात है अगर हम सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की बात करें तो ठीक है जरा हम लोग इसके बारे में डीप में पढ़ें ओके इसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और सभी से पूछना चाहती हूँ हरियाणा की राजधानी क्या होती है कुछ है भी या नहीं है मेरा क्वेश्चन है हरियाणा की राजधानी क्या है और कुछ है भी या नहीं है बताइएगा चंडीगढ़ चंडीगढ़ चलो बहुत सारे आंसर्स इसके भी मिल रहे हैं देखो अगर हम लोग पहले सूरज कुंड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मेला के बारे में ये क्या होता है क्यों होता है ठीक है ये सारे पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस कर लें ओके सूरज कुंड जो आप लोग मेला देख रहे हो ये हर साल मनाया जाता है और ये होता है आप लोगों का ये होता है आप लोगों का हरियाणा के अंदर ठीक है और इस बार का जो आपका थीम स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है पूरा ठीक है इस बार का जो आपका थीम स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है और एस ये पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टनर नेशन के तौर पर ठीक है जिसमें इंक्लूडेड है चाइना कजाकस्तान किर्गिस्तान रशिया पाकिस्तान ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ठीक है देखो आ, बहुत आपके दिमाग में चलता होगा कुछ है नहीं ठीक है ये जो मेला है इसको शुरू किया गया था सूरज कुंड अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म के द्वारा कब से इसको शुरू किया गया है 1987 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है कभी ऑर्गेनाइज किया गया था नाइनटीन में अब जो मेला है इसको इंटरनेशनल बना दिया गया 2013 में तो 1987 में जब शुरू हुआ था तो भारत का मेला था लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेशनल का मतलब है कि अभी तक जो सिर्फ भारत के तौर पर हो रहा था यानी भारत में ही सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था अब ये इंटरनेशनल है जहाँ पे अपने देश के भी एग्जिबिटर्स होंगे दूसरे देश के से भी जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे सब देखेंगे उनको भी अपने वहां पे फोकस कंट्री कोई थीम कंट्री हो जाएगा किसी को पार्टनर नेशन बना लिया इससे क्या होता है कि उनको अपने साथ स्ट्रेटेजिकली टाइप करके और अलग अलग जगह पे फोकस किया ठीक है तो इससे जो दो देश होते हैं इसके बीच में तमाम तरीके के टाइप और बन सकते हैं क्या? तो इसकी शुरुआत हुई है उन्नीस से और इसको इंटरनेशनल कर दिया गया है इंटरनेशनल सिंस 2013 अब ये हर साल होता है लेकिन बीच में दो साल इसको नहीं किया गया था कौन कौन से दो साल इसको नहीं किया गया था जब आपका कोविड था ठीक है दो हजार में इसको नहीं किया गया था पिछले साल हुआ था पिछले साल आप लोगों की फोर्टी एडिशन थी इसकी सॉरी थर्टी फिफ्थ थी बाई थर्टी सिक्स है तो ये जो मेला है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो गया हैंडलूम्स हो गया कल्चरल ये सारी चीजें जो है शोकेस की जाती हैं ठीक है तो ये पॉइंट्स आप लोग जरा याद रखे देगा अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि अलग अलग नेशन अलग अलग चीजों को थीम या पार्टनर स्टेट्स वगैरह करके फोकस किया था तो वही एस यू इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है ये सारे नेशन हमारे पार्टनर नेशन है इसके अलावा जो हमारा थीम स्टेट है ये पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ठीक है देखो आप लोग सोचते हो कि मैडम क्वेश्चन बहुत पूछती हैं लेकिन तब भी मैं सच में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए इस साल के बजट में कितना एलोकेशन हुआ है माय क्वेश्चन इज नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए बजट में कितना एलोकेशन हुआ है बताओ जरा नहीं बताओगे इतना तो नहीं याद मैम तो इतना याद करो थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं देखो ऑप्शन दो ना मैम ऑप्शन की आदत गंदी होती है तुम्हें पता है जब मैं ऑफिस में भी ये वाला सेशन कर रही थी ना लोगों से क्वेश्चन पूछ रही थी तो वहाँ पे सर लोग भी बोल रहे थे मैडम ऑप्शन दो ऐसा आलम चल रहा था तो उन्हें भी ऑप्शन चाहिए था सचिन आडेकर सर ने बराबर ऑप्शन मांगे हैं लेकिन वो उन्होंने सही बता दिया ठीक है तो बढ़िया था मज़ेदार था ऐसे कुछ और भी करते हैं हम लोग खैर चलो अभी फिलहाल में हम यहाँ बात कर रहे हैं ठीक है तो देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं ना डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ओके okay, तो जो 2023-24 का बजट है इसमें जो बजट एस्टिमेट है इनके लिए ये कितने का है ये फाइव एट नाइन टू करोड़ का ठीक है किसकी बात हो रही है डोनर की बात हो रही है कितने का इनका आ, एलोकेशन है ये है फाइव एट नाइन टू करोड़ ठीक है मैं यहां लिख देती हूं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कितना है फाइव एट नाइन टू करोड़ ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखिएगा सभी लोग ओके okay? निरंजन तुम बहुत जल्दी आ गए वेरी गुड ऐसे ही जल्दी आते रहो सारे सेशंस में तुम है ना चलो खैर तो बहुत सारी बातें हो गई यार ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि बेसिकली जो है इनको कितना एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्यों हमने ये बात करी क्योंकि हम लोग करेंड से मिनिस्ट्री ऑफ डोनर तुम लोग मुझे भटका देते हो तो हमने ये देखा, सूरज कुंड मेला है मेला लगा है हरियाणा के फरीदाबाद में ये सूरज कुंड का छत्तीसवा एडिशन है जिसमें इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपना थीम स्टेट रखा है पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन आठ हो, हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा पार्टनर नेशन में एस है एस जो संस्था है इसके अंदर कुल आठ देश होती है एक और जुड़ा हुआ है ईरान ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर नेशन है ये हमारा थीम स्टेट है इस बार कौन सा इस बार कौन सा एडिशन हो रहा है थर्टी सिक्स हो रहा है इसके पहले पिछले साल थर्टी फिफ्थ हुआ था ठीक है ये हर साल हरियाणा में हो रहा है ठीक है और ध्यान रखिएगा इसको किया जाता है तो मेला लगा है यार मेला क्यों देखने जाते हो झूला झूलोगे सामान खरीदोगे खरीदारी करोगे फिर गाली भी दोगे बहुत महंगे दे रहे हो तुम मेले के अंदर अरे यार महंगे दे रहा है अगर मेले के अंदर दस रुपया तब भी खरीद लो क्योंकि उसको वो एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे वो बेच रहा है तो मेले में ये सब मत कहा करो खुशी खुशी चीजों को खरीद लिया करो क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मेला लगता है वो उनके लिए लगाया ही इसलिए जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ सके अपनी प्रतिभा को अपनी द्वारा बनाई हुई चीजों को बेच सके ठीक है तो चुपचाप से खरीद लिया करो ओके चलो तो ये हमने देख लिया अगला देखो दीपा कर्माकर जो कि अभी न्यूज में थी ये किस क्षेत्र से जुड़ी है क्रिकेटर जिम्नास्ट टेनिस स्टार शूटर या नन ऑफ दी अबव बताओ बताओ ओके, okay, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं बी जिम्नास्ट ओके okay. देखो बेसिकली अभी ये बहुत न्यूज में रही थी दीपा कर्मकार जी डोप टेस्ट में फेल हो गई थी ये ठीक है थीके? और इसके वजह से इनके ऊपर 21 महीने का बैन लग गया है ठीक है अब ये बता रही है कि अनजाने में ये सब हो गया इनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है ठीक है तो डोपिंग टेस्ट में बेसिकली ये फेल हो गई हैं ओके और कहा को ये बिलोंग करती हैं त्रिपुरा को बिलोंग करती हैं तो देखो जरा इंडिया की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्मकार इन्होंने कन्फर्म किया है कि ये डोपिंग डोपिंग सस्पेंशन जो है ये सर्व करने वाली है कितने दिन का ये इनको मिला है इक्कीस महीने का इनके ऊपर बैन लगा हुआ है ठीक है दस जुलाई दो हजार तेईस ठीक है खैर तो ये टेस्ट पॉजिटिव के किसके लिए हाईजेन माइंड के लिए हाइजेन माइंड एक स्टिमुलेंट होता है जो कि बीटा टू एगोनिस्ट के अंडर आता है और ये बताया गया है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग आ, एजेंसी जो होती है इसकी एक प्रोहिबिटेड लिस्ट आती है इसके अंदर ये सारी ऐसी चीजों को रखे रहते हैं जिसे प्रोहिबिट किया गया है जो अलाउड नहीं है किसी के लिए ठीक है तो याद रखे रहिएगा कि इसके अंदर इसका नाम था हाइजेना माइन का और इनके अंदर ये पाया गया था जिसकी वजह से इनके ऊपर 21 महीने का क्या लगा है बैन लगाया गया है ठीक है तो ये भारत की हमारी स्टार जिमनास्ट है भाई जाहिर सी बात है तो इन्होंने क्या कहा कि 21 महीने का जो बैन है ये हम झेल रहे हैं और फिर इन्होंने बताया कि बिना किसी परेशानी की निपटेंगी अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बिना किसी परेशानी की बस बात यह है कि हाँ ये इसमें जो है ऐसा पाया गया है कि हाँ इनके अंदर ये ये सब जो है इस तरीके की सब्सटेंस थी ठीक है खैर तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हाँ अब जब ये लगा है तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये सब अनजाने में हुआ है ऐसा नहीं था कि जानकर इन्होंने ऐसा कुछ किया था ठीक है तो इन्होंने बताया कि ये अनजाने में हुआ है और इनका जो बैन है ये कब खत्म होगा दोस्तों ये दस जुलाई को खत्म हो जाएगा ठीक है हाँ बिग देखो मेरी बात लूप हो रही थी अच्छा देखो मैं क्या कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो चीजें यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है तो जब कोई ऐसे जिमनास्ट है एथलीट है उन लोगों के ऊपर तो बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब लिस्ट होती है नाडा की वाडा की कि आप लोग ये सब्सटेंसेज नहीं यूज कर सकते हो तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ वो खा रहे हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ कोई इस चीज़ का सोर्स है ठीक है जैसे हाइजीन माइंड था जो कि बैन है लेकिन किसी वजह से इन्होंने कहा कि ये मैं जो मैं जो खा रही थी मुझे नहीं पता था ये इसका एक स्रोत है मुझे नहीं इसके बारे में पता था जिसकी वजह से इन्हें आज ये सब सर्व करना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ बुराई हुआ है एक तरीके से ठीक है खैर इंपॉर्टेंट है ध्यान रखी रहिएगा आप सभी लोग फिलहाल में 2011 सॉरी 2021 में इनका जो है सैंपल लिया गया था अभी उसको पॉजिटिव पाया गया है ओके मैंने नहीं पढ़ा तुम लोग बात क्या कर रहे हो मैं समझी नहीं तुम लोग को इतनी हंसी क्यों आ रही है सब हंस रहे हैं तब से किनारे छुप छुप के त्रिपु... त्रिपुरा का रीजनल लैंग्वेज अच्छा ठीक है ओके okay, तो ध्यान रखिएगा रहेगा कि ये त्रिपुरा को बिलोंग करती हैं जिमनास्ट है हमारे वहां की ओके okay? चलो तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं आपको लगता होगा मैडम ने बहुत जल्दी खत्म कर दिया यस yes, मैडम ने थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया बिकॉज़ थोड़ा जरूरी था लेकिन खत्म करते करते मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देकर जाना चाहती हूँ क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है क्वेश्चन है कि देखो सवाल में है राबी की जो सोइंग है ये खत्म हुई है और जो वीट को प्लांट किया गया है ये कितने हेक्टेयर्स लैंड में किया गया आपको लगता होगा ये बहुत टफ है ये टफ नहीं है एक बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा कितनी एरिया में किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 24.32 मिलियन हेक्टेयर 54.32, 34.32, 44.32 या 14.32 मिलियन हैक्टेयर्स एरिया में इसको किया गया है ठीक है तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया जिसका आप सभी लोग आंसर्स करोगे इसके अलावा ध्यान रखे रहिएगा कल संडे है तो कल सोते नहीं रहना है क्योंकि कल मैडम सुबह से जग जाएंगी तो आपका भी फर्ज है जग जाना क्योंकि कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ठीक है कौन सी क्लास है कल हमारी मैंने आप सभी को बता रखी है कल हमारी क्लास होगी कल हमारी क्लास ग्यारह बजे से ठीक है खुल जाए जरा हाँ भाई तो बैंकिंग वाला पर ठीक है और ये बैंकिंग वाला पर जो क्लास होने वाली है कितने बजे से होने वाली है कल सुबह होने वाली है ये आप लोग देख सकते हो ग्यारह बजे से ठीक है तो सबसे पहला काम तो करो अंगूठे छापो यहाँ पे सभी लोग जो लोग अभी तक नहीं छापे हो ठीक है और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सेशन के नीचे बताया भी करो कि हाँ सेशन अच्छा लगा उसको बताने का तरीका है कि आप कमेंट कर सकते हो ठीक है तो कॉमेंट ऑमेंट किया करो बताया करो कि सेशन कैसा लगा है अच्छा लगाओ तो हम लोग फर्दर और भी वैसी चीजें प्लान करते हैं Besides, ये जरूर आप लोग देखेगा इट्स अ वेरी गुड वीडियो जहां पे हम लोगों ने पूरे बैंकिंग वाला की नॉलेज टेस्टिंग करी है एंड इट इज रियली गुड वीडियो वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके नीचे भी आप बता सकते हो कि अच्छा है कैसे बताओगे कॉमेंट करके तो दोस्तों कॉमेंट किया करो अंगूठे दिया करो बहुत, बहुत 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 जरूरी है हम सभी के लिए ठीक है चलो तो अब हम लोग क्लास को क्या करते हैं अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं टिल देन हैव अ ग्रेट डे डेड कल सुबह 11 बजे कौन कौन आएगा सेशन के नीचे लिखकर बताना कि हाँ हम लोग आ रहे हैं नाउ हैव अ ग्रेट डे एड अ ग्रेट संडे जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू लव यू बाई